दम की दीक्षा दिलवा रहे हैं पूरे देश में, लेकिन जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मोदी अपना काम कर रहे हैं। हमारी पाठशाला अलग है, उनकी पाठशाला अलग है। हमारी पाठशाला ने 1250 साल देश पर शासन किया है, हमारे लोग निठल्ले और निकम्मे हो गए, तो मोदी जैसे लोग देश पर काबिज हो गए। लेकिन अब हम अपने लोगों को समझा ले रहे हैं, उनकी घर वापसी करा रहे हैं। अब बौद्ध धर्म के लोग होंगे 80% और हिंदू हो जाएंगे 12%, पक्का आंकड़ा तय है। लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये समाज को तोड़ रहे हैं, धर्म को तोड़ रहे हैं, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं। मैं पूछता हूँ आपसे, मैं कहता हूँ मैं शराब नहीं पीता। अब शराब बनाने वाली फैक्ट्री वाला मेरे खिलाफ आंदोलन चलाए, ठेका शराब बेचने वाला मेरे खिलाफ आंदोलन चलाए, तो मैं क्या करूं? मेरा मन में नहीं पी रहा शराब, तो वैसे ही मैंने कहा कि मैं नहीं मानता। तुम्हारी औकात है तो तुम भी कह दो कि मैं बुद्ध और अम्बेडकर को नहीं मानता, बात साफ साफ हो जाएगी। इसमें भावना आयात करने वाली बात क्या है? सर, योगी मोदी जी बुद्ध की बात करते हैं विदेश में जाकर के, लेकिन अपने देश में जो है आपको निशाने पर ले रहे हैं वो। ये छलावे हैं, झूठे हैं, ये SC OBC वाले भोले भाले लोग हैं, ये समझ नहीं पाए थे इसलिए ये लोग काबिज हो गए हैं। अब बहुत जल्दी ये वापस जाने वाले हैं, या तो ये सुधर जाएंगे या तो देश छोड़ के चले जाएंगे। 5 अक्टूबर को दिल्ली में धम्म दीक्षा दी गई थी, बड़े निशाने पर आ गए हैं गौतम जी। इसके बाद में आपने लखनऊ में बड़े पैमाने पर और भी बड़े धम्म दीक्षा दिलवाई है, आपका भी बहुत प्रचार हो रहा है, आपको निशाने पर ले रहे हैं OBC के स्पेशली लोग और जो ब्राह्मण लोग हैं। सर, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दिल्ली से शुरुआत हुई, लखनऊ तक चली गई, मैं अब जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ, सूरत गुजरात जा रहा हूँ, पटना जा रहा हूँ। जब तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध नहीं बना दूंगा, शांत नहीं बैठूंगा। बौद्धों की संख्या होगी 80%, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, तब इनके समझ में आ जाएगा कि हिंदू राष्ट्र होता है कि बौद्ध राष्ट्र होता है। हिंदू राष्ट्र से सर दिक्कत क्या है सर आपको? एक्चुअली ये नेचुरली देश धर्म निरपेक्ष देश है, ये किसी मंदिर से नहीं चलता, किसी गीता पुराण से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। और संविधान की जो मूल भावना है वो धर्म निरपेक्ष भारत की है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, ये लोग कभी एक रंग में नहीं रख सकते हैं। ये अलग अलग भाषा और अलग अलग देश, अलग अलग रंग का देश है, मैं वही चाहता हूँ। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप देश को तोड़ रहे हैं, पाक परस्त लोग हैं आप। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो अपना गिरेबा झांकें, जब जब हमने उन्हें राजा बनाया तब तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान के सर काटे। एक बार फिर राजा बनाया श्रवण कोर में, उन्होंने स्तन का हमसे कर लिया है, स्तन ढकने का। एक बार फिर इन्हें राजा बनाया तो उन्होंने पीछे झाड़ू और आगे मटका बंधवाया है। लेकिन हमारे SC OBC वाले लोग भूल गए थे, ये बेहोश हो गए थे, ये लोग समझ नहीं पाए चालबाजों को, मदारियों को। लेकिन अब समझ गए हैं, सब घर वापसी पे लगे हैं, अब देखना नया काम होगा। धम्म दीक्षा दिलवाई थी गौतम जी ने दिल्ली में, उनका पद चला गया है सर। उनका पद नहीं जाएगा और अब और बड़ा पद आने वाला है, आप चिंता मत करिए। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। करोड़ों लोग बुद्ध के आंदोलन में, बाबा साहब के आंदोलन में चल पड़े हैं, अब होगा वो देखते रहिए। आम आदमी पार्टी के जो और 11 विधायक हैं SC कम्युनिटी से आते हैं, उसमें से एक विधायक भी साहब के जो है सपोर्ट में नहीं आया गौतम जी के। कोई बात नहीं, उनको अपनी कुर्सी बचाने दो, मुझे देश बचाने दो, लड़ाई आमने सामने की होगी। लेकिन सर जो जनता है दिल्ली की, जो SC ST है खास तौर पर, उनको फ्री बिजली पानी मिल रहा है, उनको हेल्थ मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ऐसा लोग कहते हैं, तो उनको जरूरत क्या है फिर बौद्ध धर्म अपनाने की? तो फ्री बिजली फ्री पानी का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, मुझे शिक्षा फ्री दो ना, ये बिजली पानी खरीद लूंगा तुमसे। एक्चुअली गुलाम भारत के लोगों को फिर पुनः गुलाम बनाने का ये मनवादी षड्यंत्र कर रहे हैं, आप समझिए। ये चाहते हैं कि ये इस लेवल पर चले जाएं कि रोटियां हमसे मांगे, अडानी अंबानी के ट्रक आया करेंगे और इनको खाना फेंका करेंगे जैसे कुत्तों को खाना दिया जाता है। इस लेवल पर ये SC OBC को लाना चाहते हैं। लेकिन अब SC OBC जाग गया है, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और इनका पर्दाफाश करेगा। केजरीवाल जी गुजरात गए, वहां से एक सफाईकर्मी फैमिली को लेकर आए, हर सोलंकी को, उनको अपने घर में बिठाया, खाना खिलाया बढ़िया तरीके से, काफी सम्मान तो किया सर, हवाई जहाज में लेकर आए थे। एक्चुअली मनुवादी वहां से हार रहे हैं, इसलिए राजेंद्र पार पर टारगेट किया जा रहा है, भाजपा वहां से जा रही है, कहीं केजरीवाल न जीत जाए इसलिए ये लोग बखेड़ा खड़े कर रहे हैं। आप समझिए षड्यंत्र क्या है, देश उनसे चल नहीं रहा है, जबरदस्ती चलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और गोदी मीडिया उन्होंने खरीद लिया, सारी एजेंसियां खरीद ली हैं, लेकिन अब बहुजन बुद्ध के आंदोलन पर चल पड़ा है। केजरीवाल आप हितैषी हैं? केजरीवाल जी हमारे दुश्मन भी नहीं है, हितैषी नहीं है तो बताइए जी क्या दुश्मन है। इस्तीफा कैसे ले लिया? इस्तीफा उन्होंने लिया ही नहीं, हमने स्वाभिमान में इस्तीफा दिया है। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया? नहीं किया अभी, कुछ कौन कह रहा है, हमने अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए, जब मेरी मूछ रखने पर लोग मूछें मेरी हत्या कर देते हों, घड़ा मटके में पानी पीने पर मुझे मार देते हों,
और जाति के आधार पर हमारा शोषण होता हो, ऐसे भारत को बदलने के लिए मेरा आंदोलन है। मंत्री पद, विधायक बहुत छोटा पद होता है। ये देश जाग गया है, अब विचारधारा आगे बढ़ेगी और देश भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन सर, जो केजरीवाल जी हैं वो बाबा साहब की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, फोटो लगाते हैं लेफ्ट राइट में पंजाब में, लेकिन आप उसमें कमी निकाल रहे हैं। एक्चुअली केजरीवाल जी से तो हमें कोई शिकायत ही नहीं है, उन्होंने कोई नुकसान भी हमारा नहीं किया। शिकायत उनसे है जो मेरी 22 प्रतिज्ञाओं पर घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे दिन में 10 फोन आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मार दूंगा। मैंने कहा जगह बताओ, कौन सी जगह मारोगे? तो मैंने उनसे कहा कि भंते सुमित रतन को मार दोगे, हजारों सुमित रतन पैदा हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। एक्चुअली बाबा साहब बुद्ध से नफरत उन्हें इसलिए है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। आप समझिए बात को, ATM पासवर्ड उन्हीं के पास है, वो लॉक लग रहा है, बंद हो रहा है, तो बौखलाया हुआ बामनबाद घूम रहा है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी इतना कर रही है, तो विपक्ष में उसका तो काम है ये करने का। देखिए, बहुजन समाज के हकों को जो छीनेगा, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी गुलामी देगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम बहुजन समाज की रोटी खाते। क्यों नहीं आपके साथ खड़ी हो रही सर? कौन पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही? अरे पार्टी बहुत बड़ी छोटी चीज है भाई। जब विचारधारा पूरी खड़ी हो गई देश भारत की, आज जितने अंबेडकर वादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब राजेंद्र पाल जी के साथ खड़े हैं, तो पार्टी तो बहुत छोटी चीज है। लेकिन सुमित रतन जी, संजय जैन, सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं तो सब ट्वीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, एक भी आदमी नहीं आया आपके सपोर्ट में सर, गौतम जी के सपोर्ट में? चलिए, वो डर रहे होंगे, वो भी एक्चुअली उसी विचारधारा के लोग हैं, उनमें क्षमता नहीं है अभी खुल के बोलने की, लेकिन हम लोग बाबा साहब के शेर हैं, दहाड़ेंगे और इनसे जीतेंगे भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी वो भी संघी हैं। आप वो खुद स्वीकार करते हैं, इसमें हमें कहने की जरूरत क्या? उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मेरा बचपन RSS में गुजरा है, तो हमें बार बार कहने की क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, कंसों को नहीं छोड़ेंगे, किसकी तरफ इशारा? कोई बात नहीं, वो जिसके वंशज हैं बने रहें, जो अच्छा कार्य करेगा, जो सबको लेकर के चलेगा, उसका साथ दिया जाएगा, और जो नफरत फैलाएगा, भारत को तोड़ेगा, उसको देश से भगाया जाएगा। हिंदू देवी देवताओं का अपमान सहा नहीं जाएगा? हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ कब? मैंने ये कहा कि मैं तुम्हें नहीं मानता, तुम्हारी औकात हो, तुम ये कह दो मैं बुद्ध अम्बेडकर को नहीं मानता, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। एक्चुअली तकलीफ उन्हें इस बात से है कि ये मेरी गिरफ्त से बाहर जा रहे हैं, ये SC OBC के गुलाम लोग, ये घर वापसी करके इनकी कस्टडी से, इनके मंदिर पे जो चढ़ावा चढ़ाते थे, ये गिरफ्त से बाहर निकल रहे हैं, ये तकलीफ है। दिया गया है या फिर दिया गया है? स्वाभिमान में इस्तीफा दे दिया है, स्वाभिमान में, क्योंकि विचारधारा बड़ी है, बाबा साहब का आंदोलन बड़ा है, पद बहुत छोटा होता है। लेकिन कहा जा रहा दबाव बनाया गया राजेंद्र पाल को? ये राजेंद्र पाल गौतम जी से पूछिए, मैं बहुत दुर्भिक्षु हूँ, मेरा काम है उनका सपोर्ट करना, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। समाज को ज्यादा बेहतर तरीके समझते हैं मेरी अपेक्षा में, इस इस्तीफे के बाद गौतम जी बोल रहे हैं केजरीवाल अभी मेरा नेता है, लेकिन इस्तीफे के बाद समाज में तो काफी नाराजगी है ही। उनको सोचने दीजिए, उनको देखिए, केजरीवाल जी के सवाल केजरीवाल जी से पूछिए, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं सामाजिक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप समाज को बेहतर समझते हैं मुझसे ज्यादा जी, समझते हैं। जी जी, तो समाज के रूप में तो नाराजगी होगी ना केजरीवाल के प्रति? होगी या नहीं होगी केजरीवाल जी खुद बताएंगे, राजेंद्र पाल गौतम जी बताएंगे, मुझसे आपको क्या पूछना है हमसे पूछिए आप। आपको नहीं लगता नाराजगी है? नहीं नहीं, मैंने तो उनसे बात नहीं की ना, मैं मिलने का समय मांगा हूँ, मिलने जाऊंगा अभी। देख रहे हैं ना, जो लोग आज आए हैं, इतना बड़ा जो ये भीड़ आई है, आपको इसमें कुछ नजर नहीं आया कि नाराज है? देखिए, अगर नाराज होंगे तब भी वो कुछ बहुजन समाज का नहीं बिगाड़ लेंगे, और खुश होंगे तब भी कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। ये बहुजन समाज बाबा साहब के संविधान के बाद उठ खड़ा हो गया है, अब इस लायक हो गया है कि अपना मान सम्मान स्वाभिमान गले में हाथ डाल करके खींच सकता है। अब हम किसी के गुलाम नहीं है। किसको ताकत दिखाई गई है? ये किसी को ताकत नहीं दिखाई गई है। आज 14 अक्टूबर है, बाबा साहब की धम्म क्रांति का दिवस है, आज हम लोगों ने बाबा साहब को पुष्पांजलि करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। प्रोग्राम अंबेडकर भवन में होने वाला, वहाँ क्यों कैंसिल हो गया फिर इधर को आया? अनुमति नहीं मिली होगी? हाँ, अनुमति मिल गई, इसलिए यहाँ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भवन में भी अनुमति चाहिए? जी बिल्कुल, अम्बेडकर भवन शासन प्रशासन से बात करनी पड़ती है, ज्यादा लोग आ जाते हैं, दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ बाबा साहब की बड़ी अच्छी प्रतिमा थी, हम लोगों ने पुष्प अर्पित किए। सर, कुर्सी चली गई है गौतम साहब की, समाज कितना सपोर्ट करेगा सर? देखिए, आदरणीय गौतम जी के पास परमानेंट कुर्सी तो थी नहीं, पहले वो एडवोकेट थे,
फिर वो समता सैनिक दल में कार्य करते थे, सामाजिक कार्य करते थे, और नहीं मंत्री पद रहेगा इसके बाद फिर अपने सामाजिक धारे में कार्य करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये पद आते जाते रहते हैं, लेकिन पुरखों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन सर, जो समाज के जो वोटर है दिल्ली में, स्पेशली SC ST, उनको तो 5 किलो अनाज चाहिए, फ्री बिजली पानी चाहिए, उनको समाज से या बाबा साहब से कुछ सरोकार है? ये बहुत पुरानी बात हो गई है, जो लोग आटे दाल चावल पर बिजली पर पल रहे थे वो लोग जागरूक हो गए हैं कि इससे हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। अब वो इन व्यवस्थाओं को छोड़ना चाहते हैं, इन जुमलेबाजों को छोड़ना चाहते हैं और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक ही नारा चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो देगा उसी का साथ दिया जाएगा और नहीं देगा तो नीचे उठा के रख दिया जाएगा। 4 मंत्री बनने चाहिए ना दिल्ली? बिल्कुल बनने चाहिए, ये तो जिम्मेदारी है, समाज मांग करे, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो ये जिम्मेदारी समाज के लोगों की है और जो मुख्यमंत्री उनकी जिम्मेदारी है। सर, आगे के प्रोग्राम क्या है सर? धम्म दीक्षा दीक्षा लगातार, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दिल्ली से आगाज हुआ और चिंगारी लगी लखनऊ में, अब हम जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, इसके बाद गुजरात जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, हर राज्य में 1-1 लाख लोग दीक्षा लेने वाले हैं और अब 10 करोड़ लोग दीक्षा लेंगे। अब बदलाव आएगा, लोग घर वापसी करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।